नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत, मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चुनियां खबरां। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि छोटे कारोबारियों को बिना गरंटी 3 लाख करोड़ रुपया मुहैया करवाया जाएगा। इस नाल देश के 45 लाख कारोबारियों को लाभ होगा। कारोबारियों को 4 सालों लिए यह कर्जा मिलेगा तो 12 महीनों तक किश्त नहीं चुकानी पवेगी। बिजली कंपनियों 90 हज़ार करोड़ रुपए की राहत का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खजाना मंत्री वालों ऐलाने गए उपाव नाल उद्यमी होर मजबूत होंगे। वंदे भारत मिशन तहत पिछले 6 दिन दौरान वक् वक् मुल्कों तो 8500 तो वध भारतीयों नूं वतन लियांदा गया। एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान राही 178 भारतीय दुबई तो अमृतसर पहुंचे। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस राही पंजाब दे सेहत मंत्री नाल सूबे च कोविड-19 महामारी की समीक्षा की। सूबे च आयुष्मान भारत योजना तहत सेहत अते आरोग्य केंद्र खोलण दे काम की शलाघा की। भारत में कोविड-19 की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 78,000 तो पार हुई। हुण तक देश में 26,234 करोना मरीज सेहत याब होने मगरों घरी परते। करोना वायरस कारण देश में 2,549 मरीजों की मौत। सनती शहर लुधियाना साइकिल सनती इकाइयां मुड़ तो चालू होने ते कामियां च खुशी की लहर। ते हुण खबरां विस्थार नाल। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने लॉकडाउन कारण कारोबारी अदारियां नूं होए भारी आर्थिक नुकसान की पूर्ति लई कल छोटे कारोबारियों लई बिना गरंटी के 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों ऐलाने गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज संबंधी ऐलान करदे उन्होंने कहा कि 90,000 करोड़ रुपए की राशि बिजली कंपनियों नूं दित्ती जाएगी ता जो मौजूदा वित्तीय संकट का टाकरा कर सकन। उन्होंने कहा कि बिना गरंटी कर्जा 4 सालों लई मिलेगा तो 1 साल तक कोई किश्त नहीं भरनी पवेगी। उन्होंने कर्जदार MSMEs नूं भी 20,000 करोड़ रुपए की सहूलत देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए का निवेश करन वालियां इकाइयां छोटियां इकाइयां मनिया जाएंगियां। उन्होंने कर्मचारियों के भविख निधि फंड विच कंपनियां के योगदान का हिस्सा घट करके 10% करन का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय अदारियां हाउसिंग फाइनांस कंपनियां ते माइक्रो फाइनांस अदारियां नूं भी राहत दित्ती जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पैकेज नाल 25 करोड़ रुपए तक के बकाए वाली इकाइयां नूं फायदा होगा अते बैंक ते गैर फाइनांस कंपनियां सीधे तौर पर कर्जा दे सकनगियां। उन्होंने कहा कि फंड की नकदी नाल जूझ रही सनतां नूं 4,000 करोड़ रुपए दिते जाणगे अते इह पैसा बैंकां वल्लों ही दिता जाएगा। उन्होंने आमदन टैक्स की रिटर्न दाखिल करन दा समां भी जुलाई तो वधा के नवंबर तक करन दा ऐलान किया। द इकोनमी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम्स डेमोग्राफी एंड डिमांड। So if these are the 5 pillars on which we are trying to build Atmanirbhar Bharat, the focus obviously will be what can be defined as the factors of production of, in today's language, factors of production. All of us know that we've been hearing it: land, labor, capital and enterprise. Today we recast it, say it the same way, but then essentially referring to the very same factors of production, but in this Atmanirbhar Bharat, our focus therefore would be on those factors of production which are land, labor, liquidity and law. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन वालों कल किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज संबंधी उपावों नाल देश के कारोबार विशेष तौर पर सूखम छोटिया दरमियानिया सनतां ते उद्यमियों नूं हुलारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि खजाना मंत्री वालों ऐलाने गए उपावों नाल देश में नकदी नूं हुलारा मिलेगा तो उद्यमी होर मजबूत होणगे अते उन्हां च मुकाबलेबाजी की समर्था नूं होर वधेरे मजबूती मिलेगी। देशव्यापी लॉकडाउन कारण विदेशों च फसे भारतीयों नूं वतन वापस लियाउण लई केंद्र सरकार वल्लों शुरू किए गए वंदे भारत मिशन तहत कल दुबई तो 178 भारतीय देश परते। एयर इंडिया की विशेष उड़ान कल रात 9 बजे के करीब अमृतसर के श्री गुरु रामदास कौमांतरी हवाई अड्डे पहुंची। इन्हां विच 36 नागरिक अमृतसर के बाकी
पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश अते दिल्ली नाल संबंधित ने जो रोजगार लिए दुबई गए सन इन्हां सारियां नूं मुढ़ली डॉक्टरी जांच उपरंत बसां राही सरकारी एकांतवास केंद्रां च भेज दिता गया। हवाई अड्डे के निदेशक मनोज चंद सौर्य ने कहा कि इन्हां दे करोना टैस्ट लिए सैंपल लए जाणगे अते उन्हां दी रिपोर्ट आउण तों बाद इन्हां नूं घरां विच भेजिया जाएगा। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू नाल सूबे च कोविड 19 दी रोकथाम दे उपावां बारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही गलबात कीती। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पंजाब ने आयुष्मान भारत योजना तहत सेहत ते आरोग्य केंद्र खोलण की दिशा चंगा काम किया है। उन्होंने कहा कि इन केंद्रां दा इस्तेमाल शुगर ते ब्लड प्रैशर वर्गी आम बीमारियां की जांच ते लोगों नूं मुहैया करवाईआं जाण वालीआं मुढ़लीआं सेहत संभाल सेवावां दे विस्थार लई कीता जा सकदा है। भारत में कोविड 19 की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 78,000 तो पार हो गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार हुण तक देश में 78,055 मरीजों कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिन्हों में 26,234 कोरोना मरीज सेहतयाब होने मगरों घरी परते ते 2,549 मरीजों की हुण तक इस महामारी कारण मौत हुई है। महाराष्ट्र च इस समय कोरोना वायरस की पुष्टि वाले सब तो वध 25,922 मामले सामने आए हैं, जबकि सूबे च 975 कोरोना मरीजों की हुण तक मौत हो चुकी है। गुजरात में 9,268 कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीज सामने आए हैं, जिन्हों में 566 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली तमिलनाडु राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सूबे भी कोरोना वायरस नाल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित ने। इधर पंजाब विच भी हुण तक कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिणती 1,924 तक हो गई है और 32 लोगों की मौत हो चुकी है। लुधियाना च कल कोरोना के 5 नवे कोरोना मामले सामने आए, जिन्हों नाल जिले च कोरोना की पुष्टि वाले मामलों की गिणती 148 हो गई है। अमृतसर 297 पुष्टि वाले मरीजों नाल पंजाब च सिखर ते है, जबकि जलंधर 198, तरन तारण 158 ते गुरदासपुर च कोरोना की पुष्टि वाले 122 मरीज ने। कोरोना वायरस के चलद ऐलाने गए देशव्यापी लॉकडाउन कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई तो सनअतों ताले लग गए, पर तीजे लॉकडाउन दौरान सरकार वालों जारी किए गए नवे दिशा निर्देशों मगरों कई सनअत खोलण की आग्या दी गई। सनअतकारों वालों कोविड प्रोटोकॉल की पालना करद फैक्ट्रियां मुड़ काम शुरू किया गया, जिस न मजदूर वर्ग च खास करके आस की किरण जागी है। सनअती शहर लुधियाना च खास करके साइकिल सनअती इकाइया 4 मई तो केंद्र राज सरकार वालों जारी दिशा निर्देशों की पालना कर दुबारा खोल दित्तियां गईयां। फैक्ट्रियां च लंबे समय तो बाद काम लई परते मुलाजमां ते कामियां च उत्साह देखण नूं मिलिया। करदियां लॉकडाउन खुला है, बहुत बढ़िया हुआ, फैक्ट्री में काम चल रहा है, कंपनी हमें पैसा दे रही है, सब कुछ दे रही है, जो जा रही है लेबर सबका जो जा रहा है गलत है, हमें यही सब कुछ मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है। हम 9-22 कल के तरफ से काम करते हैं, लॉकडाउन तब तक था तब तक तो कंपनी हम लोग को पैसा दे दी गई, अब लॉकडाउन खुल गया तो हम लोग मजदूर लोग काम कर रहे हैं, कंपनी पैसे दे रही है, अपना काम चला रहे हैं, तो घर जाने का हमें क्या जरूरी है। हमारा काम चलने लगी है, फैक्ट्री चलने लगी, लेबर को घर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कंपनी में काम शुरू हो गया है, प्रोडक्शन चलने लग गया है, काम भरपूर है हमारे पास, काम लेबर को किसी को भी घर जाने की जरूरत नहीं है। चल रहा है फैक्ट्री में सारे बंदे आ रहे हैं, बंदे बोलते हैं कोई नहीं जाएगा, सारे बंदे आ रहे हैं, लॉकडाउन के बाद सब काम चल रहा है, चल रही है, सारा काम चल रहा है, कोई बंदा भी नहीं गया हुआ है, पैसा दे रही है कंपनी हम लोगों को। 79 लग लो काम से आ रहे हैं, हूँ बढ़िया है, अच्छे बहुत अच्छा चल रहा है। अब मेरा हस्बैंड भी नहीं है सिर पे, अब हम लोग रज के रोटी खा रहे हैं, जो गाँव जा रहे हैं वो क्या करेंगे गाँव जाके, अब तो यहाँ खुल रहा है। हमारे लॉकडाउन के बाद पहले जो लॉकडाउन लगे रहे तो हमारे खाने का हम लोग का व्यवस्था नहीं रहा, तो काम कुम भी सारे बंद रहे, अभी तो कंपनी हमको काम दिया है तो अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो पंजाब में काम मिल रहा है तो काम कर को ही मेहनत कर को खाना है आ रही है। हमारी इंडस्ट्री खुल चुकी है, यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर चल रहा है और हमें रोज़गार मिल चुका है, कोई यहाँ पर पैसे की किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। हमारी बाकी लोगों से अपील है जो भी रोज़गार के लिए जा रहे हैं वो मत आएँ, रोज़गार चालू हो चुका, किसी चीज़ की यहाँ परेशानी नहीं है। नोवा साइकिल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित पाहवन ने दसिया कि फैक्ट्री मुड़ काम शुरू होने समय सरकारी दिशा निर्देशों की पूरी तरह पालना की जाती है, मजदूरों को मास्क लगा के आना लाजमी है, फैक्ट्री पूरी तरह सैनिटाइज किया जाता है, कम समय समाजिक दूरी बना के रखने यकीनी बनाया जा रहा है। 4 मई को फैक्ट्री लॉकडाउन तो बाद रीस्टार्ट की गवर्नमेंट की हिदायत के हिसाब से, पूरा चैलेंज है कि लेबर जिन्हों आदत नहीं हैगी सोशल डिस्टेंसिंग की या सैनिटाइजिंग की, वो सारे सिस्टम असी बनाए जिदा गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिखाई,
ਤੇ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਮਸਕਾਰ